बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनायत इमाम वॉइस के डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए नई नवेली दुल्हन की बहुत ही सबक आमोज सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठ के कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिर्च उस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग घर नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पे डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? उसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे, मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी डियर वाइफ के हाथ का बना खाना पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बदजायका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था, क्योंकि वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई, उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउसवाइफ बनके सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बदमजा खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली, बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मौतबिर कर दिया, और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेके आता तो माँ नाराज हो जाती, और अगर मैं अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने उसे डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो भरे बाजार में उतारा नहीं जाता, पैवंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पैवंद लगाएं। तो लिसनर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अनायत इमाम को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।